दोस्तों वीडियो में डिस्कस करेंगे PFCB वर्सेस BCCS के बीच जो होने वाला है आज का दिन का पहला मैच हंगरी टिटन का। इंडिया दोनों ही टीम के बारे में डिस्कस करेंगे वीडियो में। दोस्तों कुछ ही दिन में स्टार्ट होने वाला है वुमेन्स ट्राई सीरीज एंड पंडिचेरी में इंडिया के दोस्तों डोमेस्टिक टूर्नामेंट। दोनों सीरीज का कवरेज आपको इस चैनल पे मिलेंगे। फिलहाल ECS और द 100 वुमेन्स के कवरेज मिल रहे हैं। दोस्तों द 100 वुमेन्स का पहला मैच का वीडियो लाइव है और सेकंड मैच का भी मॉर्निंग तक लाइव हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को तो जरूर देखना है। और जो बेस्ट सीरीज चल रहा है द 100 वुमेन्स के सीरीज, जिसके वीडियोस ऑलरेडी लाइव है, जाके चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के दोस्तों आप इस वीडियो से हमारे चैनल पे भी जाके सर्च कर सकते हो, या फिर आप सिंपली फैंटेसी दुनिया द 100 वुमेन्स मैचेस सर्च भी करके देख सकते हो। बहुत अच्छे सीरीज चल रहे हैं, हमारे लिए मैचेस भी अच्छे जा रहे हैं। तो चलो एनालिसिस करते हैं, लाइक करके स्टार्ट रखना। और अगले मैचेस के कवरेज अपडेट्स डेमो टीम आएगा टेलीग्राम पे, जुड़ना है टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक एडेड है। 100 से 110 एवरेज स्कोर है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्रिकेट नहीं दिखा है। 25 मैचेस में से 9 बार बैट फर्स्ट, 16 बार चेजिंग टीम ने विन किया। लास्ट मैच हारा है PFCB, अदरवाइज सभी मैचेस जीत के हारे। दिन का ये इनका पहला मैच होगा। अगला मैच जहाँ पे एक न्यू टीम खेलेंगे उसका भी वीडियो लाइव हो जाएगा, जाके वो भी चेकआउट आप कर सकते हो। यहाँ से अगर देखते हैं, उस्मान उल हक ओपन करेंगे अगागुल अहमदेल के साथ, फिर उमर फारूक, रॉबिन अहमद, शब्बीर इस्माइल, एडविन रिचर्ड होगा बैटिंग ऑर्डर। ये टीम से उस्मान उल हक 24-13-7-33-9 प्लेयर अच्छा है, चेस करने से ज़्यादा सही है। वन साइडेड मैचेस, वन अगर ओपोनेंट बहुत ज़्यादा वीक है तो दोस्तों इनको प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा तो बैटर नहीं है, बट हाँ ओपन करता है तो चेजिंग में थोड़ा बेटर बन जाता है। अयागुल अहमद आपके लिए तगड़ा चॉइस है, डिफॉल्ट KBC ऑप्शन है, सभी अपने टीम में KBC ट्राई करेंगे। दो ओवर में विकेट भी है, रन नहीं, विकेट तो नहीं लिया बट दो ओवर डाला है, 14 रन भी बनाया, उससे आगे भी विकेट निकाला, रन बनाया, तो ये बंदा तगड़ा चॉइस है। उमर फारूक बेटर ऑप्शन है उस्मान उल हक से, बैट बॉल बैटिंग प्लस विकी से वैल्यू देंगे, हम लोग टीम में ट्राई करेंगे। रॉबिन अहमद नहीं लूँगा, शब्बीर इस्माइल मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करूँगा। एडविन रिचर्ड लास्ट दो मैच में एक एक ओवर डाला बट बॉल फर्स्ट ट्राई कर सकते हो एज डिफेंशियल। जहीदुल इस्लाम आपके लिए तगड़ा चॉइस है, दो दो ओवर डाल रहे हो, विकेट निकाल सकते हैं, ये अच्छे चॉइस है। सदीक अफगान एक ही मैच में बॉल डाला, फिर मैचेस में नहीं डाले। मनप्रीत सिंह एक मैच में दो ओवर में एक विकेट, एक में जीरो। आशु हंस यहाँ पे, नोमान जमील ओपनिंग बॉलिंग, अगायगुल, आशु और मनप्रीत, डेथ में जहीदुल, आशु और एडविन करते हुए दिखेंगे। यहाँ पे बेंच में प्लेयर बैठे हुए, ओपनर है फारूक अहमद, अगर खेलता है तो बहुत अच्छा चॉइस होगा। फारूक हमाद सॉरी सफीर अहमद इस टीम का बेस्ट बॉलर, मस्ट बी प्लेयर हो जाएंगे, यूज़ कर सकते हो। आते हैं इनके ओपोनेंट, इन्होंने भी अपनी सभी मैचेस विन किए, और ऑनेस्ट बात बताऊं ये टीम स्लाइटली बेटर है कंपेयर टू देयर ओपोनेंट्स। इस टीम से क्रिस लकोव ओपन करेंगे, कृष्णा कुमार, जैकब गुल, अहमद इब्रार, डेलरिक विनो, थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू देयर ओपोनेंट्स। क्रिस लकोव आपके लिए बाय डिफॉल्ट पीक है, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं, मस्ट हैव होना चाहिए, KBC बना सकते हो अपनी टीम में, एज अ प्लेयर भी रखना तो चाहिए और KBC बना लेना। इंटरनेशनल में 34 मैच, 31 एवरेज, 32 विकेट, बहुत तगड़ा चॉइस है ये। कृष्णा कुमार इनके साथ ओपन करेंगे, सेफ है, टीम में रखेंगे। जैकब गुल एक ओवर जीरो, दो ओवर में एक, दो ओवर में जीरो विकेट, 33 रन, प्लेयर ठीक ठाक है, टीम में यूज़ कर सकते हो, बैट बॉल दोनों से वैल्यू दे सकते हैं, बट कंसिस्टेंट नहीं है, कई कबार बॉलिंग नहीं मिलता है, बैटिंग से भी कंसिस्टेंट नहीं है, तो एज अ प्लेयर मैं लूँगा, नॉट KBC, क्योंकि ओपोनेंट का जो अयागुल अहमद है ना वो अच्छा ऑप्शन है, KBC ज़्यादा सेफ है। अहमद इब्रार 28 रन, दो ओवर में एक विकेट, दो ओवर एक ओवर, मतलब बैट बॉल दोनों करा सकता है, अगर बैट फर्स्ट हुआ तो बैटिंग से वैल्यू दे देगा और बॉलिंग भी मिल रहा है इनको, तो एज अ सेफ प्लेयर हम लोग टीम में रखेंगे, डिफेंशियल KBC स्पेशली बैट फर्स्ट। डेलरिक विनो ने एक मैच में 49, बाकी मैचेस में कुछ खास किया नहीं है, बट हाँ एक आधा ओवर भी डाल रहा है तो इस रीजन से हम लोग ट्राई करेंगे, थोड़े बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं। अली रसूल इस टीम का बेस्ट बॉलर, मस्ट पिक प्लेयर होना चाहिए आपकी टीम में, गो टू ऑप्शन। जैक्यू मैथ्यू इग्नोर करेंगे, सुभाष चंद्र डिफेंशियल लेना है तो लो, हिस्टो इवानो भी इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। ओपनिंग बॉलिंग अली रसूल, क्रिस लकोव, जैकब, डेथ में डेलरिक विनो, इब्रार और चंद्र करते हुए दिखेंगे। ये कुछ और भी प्लेयर्स है, चेकआउट कर सकते हैं हम लोग दोस्तों। निको ननकोव खेलता है तो बॉलिंग डाल सकते हैं, डिमो निकोलोव खेलता है तो बॉलिंग डालेगा, 33 मैच 34 ओवर में 12 विकेट। आसान खान एक और बॉलिंग ऑप्शन, 5 मैच में 10 ओवर 2 विकेट। अब चलते हैं फटाफट से ड्रीम 11 टीम में, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को भी शेयर कर देना है और जुड़ना है आपको टेलीग्राम, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक। गाइस फिलहाल जो टीम बन रहा है ना, मैं विकी से बेस्ट सेफ चॉइस है कृष्णा कुमार, उमर फारूक बेटर है कम्पेयर टू उस्मान उल हक, ठीक है,
कृष्णा कुमार बेस्ट है, तो मैं कृष्णा कुमार को ट्राई किया, क्रिस लेको या गुल अहमद, मेरा कैप डीसी ऑप्शन रहेंगे इस मैच में। एफ अहमद खेलता है तो खेलता है तो लूंगा। डेलू बिनो वर्गीस को लेता हूँ, इब्राहिम अहमद डिफेंशियल ले सकते हैं हम लोग, रॉबिन अहमद प्रेफर नहीं करूँगा। अली रसूल मस्ट बी प्लेयर है, जे गुल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, डिफेंशियल है, फिलहाल हम लोग नहीं लेते डिफेंशियल को, पहले सेफ ऑप्शंस उठा लेते हैं। यहाँ से दोस्तों एस अहमद खेला तो बाय डिफॉल्ट पिक होगा, मैं फिलहाल रख रहा हूँ क्योंकि ये ओपोनेंट स्ट्रांग है, तो ये मोस्ट प्रॉब्ली मुझे लग रहा है ऐसा खेलने वाले, ठीक है। यहाँ से हम लोग जे मैथ्यू नहीं, हंस नहीं रहेगा, रिचर्ड्स हमारे पास डिफेंशियल रह सकते हैं बॉल फर्स्ट, बट जे इस्लाम के साथ मैं जा रहा हूँ, तो हमारे पास अभी ना तीन ऑप्शन है लेने लायक, तो इनमें से एक तो मेरा सेफ है, मैं मानता हूँ उमर फारूक बेटर है तो मैंने इसको ले लिया। उस्मानुल हक को ऐड कर सकते हैं हम लोग आफ्टर टॉस, इफ़ यू वांट ऐड कर सकते हो। आए अहमद देखोगे तो इन्होंने बॉलिंग डाला है दोस्तों कुछ ज़्यादातर मैचेस में, तो इसको भी हम लोग ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक ठाक ऑप्शन है। अभी भी एक और ऑप्शन है हमारे पास लेने लायक, ठीक है। तो ये जो प्लेयर है ना एस अहमद अगर नहीं खेलता है तो हटा देंगे, बट एक ऑप्शन में मैं ना फिलहाल थोड़ा सा सेफ जा रहा हूँ एम सिंह, क्योंकि इसने दो मैच में बॉल डाला। आफ्टर टॉस चाहे तो हम लोग इनको रोटेट करके एक्स्ट्रा प्लेयर ले सकते हैं जो अच्छे प्लेयर्स हैं जिसने लास्ट मैच में नहीं खेला। फिलहाल कैप वीसी में क्रिस लकोफ कैप्टन, अयागुल अहमद दिल वीसी है, और फिलहाल ये रहेगा मेरा सेफ टीम। इस मैच का कुछ भी अपडेट आता है अगले मैच के कवरेज के साथ हम मिलेंगे मैच टाइम पे टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों।